हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोग मतलब एज अ डेवलपर अपना लाइफ मतलब बनाना चाहते हैं या आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आप लोग कौन सा कोडिंग करें कॉलेज में कि मतलब आप लोग आगे चलकर मतलब अच्छा एक प्लेटफॉर्म पा सकते हैं कोडिंग की दुनिया में, कोडिंग की लाइन में। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, आप लोग मतलब इससे पहले मैं एक मतलब वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आप लोग बिगनर से कौन सा कोडिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं और अपना लाइफ जो है सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेट करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे जैसे कि एक डेवलपर होता है वो मतलब उनका जो काम होता है उन लोग को काम होता है सिर्फ कोडिंग करना, कोडिंग करके कुछ डेवलप करना। तो इसमें कोडिंग जैसे कि डेवलपर में बहुत सारे मतलब पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि ऐप डेवलपर हो जाता है, वेब डेवलपर हो जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसमें हो जाता है, ऐप में भी एक एंड्रॉइड ऐप डेवलपर हो जाता है, एक iOS डेवलपर हो जाता है। तो ये सारा जो चीज है वो डेवलपर के लिए। तो हम लोग क्या करें जो मतलब हम लोग एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म पा सकते, कौन सा कोडिंग लैंग्वेज मतलब कौन सा कोडिंग सीखे हम लोग, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग अगर वेब में जाना चाहते हैं, एज अ वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, उसका जो वेब डेवलपर का आज डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि मान लीजिए ऐप तो सारे नहीं बनाते हैं बट एक वेबसाइट जो है वो एक छोटा से छोटा दुकानदार भी होता है या जिसका वो छोटा सा बिजनेस भी होता है वो भी मतलब अपना वेबसाइट चलाते रहते हैं, वो जो वेबसाइट चलता है वो भी एक डेवलपर बनाते हैं। तो अगर आप लोग वेब डेवलपर में जाना चाहते हैं तो सबसे आप लोग मतलब पहले तो है वो HTML CSS तो सारे सीखते हैं, वो तो फ्रंट एंड का काम होता है, जावा स्क्रिप्ट वगैरह का। अगर आप लोग मतलब वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप लोग PHP पे ज्यादा फोकस करें। आजकल जो वैकेंसी वगैरह निकलती है PHP डेवलपर की, बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। आप लोग टेलीग्राम पे जाके दीपक टेक्नोलॉजी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप लोग जो सारे जॉब वगैरह के होते हैं वो भी मतलब निकलते रहते हैं, आप लोग मतलब देख सकते हैं एज अ फ्रेशर के लिए। तो आप लोग जो वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आप लोग PHP एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा वैकेंसी निकलती है आजकल। आज जो बायजूस वेबसाइट या जितना भी वेबसाइट है उसका जो बैकएंड के ऊपर काम होता है वो होता है आपको किस पे, PHP पे और .NET पे। तो आप लोग PHP भी चूज कर सकते हैं। अब अगर आप हम लोग आते हैं ऐप के ऊपर, अगर आप लोग एक ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप लोग को मतलब बहुत, जैसे कि अगर आप एंड्रॉइड ऐप के लिए मतलब जाते हैं तो आप लोग जावा के तरफ जा सकते हैं या कॉटलिन के। कॉटलिन जो है वो गूगल दिया है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब ऐप डेवलपमेंट के लिए जो है वो मतलब ये कर दिया कि हाँ कॉटलिन एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, किसके लिए, जो लोग एंड्रॉइड ऐप डेवलप करना चाहते हैं। और अगर आप लोग मतलब iOS ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए स्विफ्ट सीख सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मतलब एक ऐसा कोड करें जिससे मतलब आप का एंड्रॉइड ऐप भी बन जाए और जो है iOS भी बन जाए, तो उसके लिए आप लोग को फ्लटर डेवलपर बनना पड़ेगा, जिसके लिए डार्ट लैंग्वेज आप लोग को सीखना पड़ेगा। तो ये तो सारा चीज हो गया मतलब क्या आप लोग मतलब बनना चाहते हैं। अगर आप लोग गेम डेवलपर बनना चाहते हैं तो आजकल जो मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग पे है वो है C#। C# के थ्रू आजकल बहुत सारा गेम वगैरह बनते हैं। पबजी गेम जो आजकल मतलब बहुत बच्चे खेलते हैं, मतलब वो पबजी गेम जो बना हुआ है वो किस पे बना हुआ, तो वो C++ पे बना हुआ है। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों। तो आप लोग पाइथन, जावा और C++, ये जो तीन मतलब लैंग्वेज है, आप लोग अगर मतलब कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो आप लोग को मोस्टली जो क्वेश्चन आती है वो या तो मतलब जावा में करने के लिए कोडिंग देता है या फिर C++ में देता है। तो C++ थोड़ा सा पुराना लैंग्वेज है बट उसका भी बहुत ज्यादा डिमांड है, और जावा जो है थोड़ा सा न्यू टेक्नोलॉजी है, तो आप लोग जावा में भी जा सकते हैं। जावा में भी अगर आप लोग कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हैं तो जावा पे भी आपको एक अच्छा मतलब हेल्पफुल हो जाएगा, जो आप लोग को कैंपसिंग मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और आप लोग C++ को भी चूज कर सकते हैं। तो आप लोग मतलब पहले मतलब ये सेट कर ले कि आप लोग को कौन सा, आप लोग को गेम में इंटरेस्ट है गेम बनाने में, तो आप लोग C# का यूज कर सकते हैं, पाइथन सीख सकते हैं। और अगर आप लोग मतलब वेब डेवलपर जो कि मतलब PHP थोड़ा आसान होता है बट उसमें जो जॉब वैकेंसी है वो बहुत ज्यादा है, तो आप लोग PHP या .NET सीख के आप लोग जो है वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप लोग मतलब चाहते हैं कि मतलब लाइफ में बहुत आगे बढ़ना कोडिंग का लाइन में, तो अगर आप लोग अभी मतलब अभी से आप लोग कोडिंग का मतलब करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप लोग को कैंपस प्लेसमेंट में अगर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह दे तो आप लोग मतलब अगर आप लोग किए रहेंगे तो प्रैक्टिस रहेगी, तो आप लोग मतलब तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मतलब कैंपस प्लेसमेंट में बैठने के लिए आप लोग जावा का मतलब मैं बोलूंगा कि चूज करें या C++ चूज करें। और अगर आप लोग कैंपस में ही ऑफ कैंपस लगाना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग पाइथन के तरफ जा सकते हैं, या आप लोग को वेब डेवलपर बनना है तो आप लोग मतलब पाइथन से भी वेब डेवलपमेंट होती है। आप लोग PHP सीख सकते हैं जो कि थोड़ा सा इजी लैंग्वेज है, पाइथन में आपको डिजांगो वगैरह सीखना पड़ेगा। तो आप लोग ये दोनों चूज कर सकते हैं। अगर आप लोग गेम डेवलपमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोग C# या C++ चूज कर सकते हैं। तो यही चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था, बताना चाहता था। तो अगर आप लोग मतलब
चाहते हैं कि मतलब इस चीजों के बारे में मैं और डीपली जाऊं एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, जैसे कि जावा कॉटलिन में से आप कौन सा चूज करें। आप लोग अगर एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हैं तो दो लैंग्वेज आती है, एक तो आती है कॉटलिन, एक आती है जावा। तो ये दोनों में से आप लोग मतलब कौन सा चूज करें, इसके लिए भी आप लोग अगर कंफ्यूज हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं मतलब मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं पर्टिकुलर चीजों को मतलब डिवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग मतलब जावा मतलब करें या कॉटलिन करें, आप लोग कौन सी लैंग्वेज करना चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, ये सारा चीज मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग मतलब चाहते हैं दोनों चीज सीखना, एंड्रॉइड या आईओएस दोनों ऐप बने, तो आप लोग स्विच कर सकते हैं फ्लटर के लिए। तो अगर आप लोग फ्लटर डेवलपर बनना चाहते हैं, जो एक कोड से आप लोग एंड्रॉइड मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं और आईओएस मोबाइल ऐप भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक अलग सी लैंग्वेज मतलब जानना जरूरी है, वो है आप लोग को डार्ट लैंग्वेज। तो आप लोग फ्लटर डेवलपर के लिए डार्ट लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। और आप लोग जो अगर कॉलेज के में प्लेसमेंट पाना चाहते हैं, तो आप लोग C++ या फिर मतलब जावा का चूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग मतलब चाहते हैं कि आप लोग मतलब बाहर जाके जॉब करें, यूएस ये सब जो है मतलब मल्टीनेशनल ज्यादातर कंपनी वो लोग पाइथन के तरफ जा रही है, तो पाइथन के थ्रू से आप मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आप लोग अगर मतलब एक मतलब चाहते हैं कि पाइथन थोड़ा मतलब जावा और C++ के तुलना थोड़ा सा इजी है, तो आप लोग पाइथन सीख के भी मतलब एक अच्छा करियर को चूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी आप लोग का मतलब जो बनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग लैंग्वेज को चूज करें, और आप लोग मतलब कॉलेज के मतलब जो थर्ड ईयर से आप लोग स्टार्ट कर दें, जिससे कि आप लोग जाते जाते प्लेसमेंट के टाइम में आप लोग का एक मतलब अच्छे से पकड़ हो जाए और आप लोग एक अच्छा कोडर बन जाएंगे और आप लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।